नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बुधवार की शाम गीडा के स्थापना दिवस समारोह में सम्मिलित होंगे सीएम योगी। देंगे 504 करोड़ की निवेश परियोजनाओं का तोहफा। 260 करोड़ रुपए के 49 विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास एवं लोकार्पण। प्लास्टिक पार्क, रेडीमेड गारमेंट पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री की मिलेगी सौगात। 1200 करोड़ की निवेश परियोजनाओं के निवेशकों को सौंपेंगे भूमि आवंटन का प्रमाण पत्र। दस करोड़ रुपए की जमीन को भू माफियाओं के कब्जे से नगर निगम ने मंगलवार को कराया मुक्त। मामला गोरखनाथ इंडस्ट्रियल एरिया के वार्ड संख्या 10 लक्ष्मीपुर का। नगर आयुक्त विनाश सिंह ने कहा, चिन्हित किए गए दूसरे अतिक्रमणों के खिलाफ भी होगी सख्त कार्रवाई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा को प्रदेश सरकार द्वारा बुलंदशहर का सीडीओ बनाए जाने पर सदर तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विदाई समारोह का आयोजन कर उन्हें किया गया सम्मानित। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने कहा, गोरखपुर के अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग से है वह अभिभूत। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, महिला एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य एवं उन्हें जागरूक करने के लिए वुमेन पावर लाइन 1090 वाहन को हरी झंडी दिखाकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया रवाना। कहा, महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए जन जन तक संदेश पहुँचाने के उद्देश्य से वुमेन पावर लाइन 1090 वाहन को किया गया रवाना। आगामी नगर निगम एवं नगर पंचायत के चुनाव की तैयारियां हुई पूरी। एडीएम फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, आगामी चुनाव में सभी जनमानस शांतिपूर्वक करेंगे प्रतिभाग। ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित विश्व प्रख्यात पर्यावरणविद माइक पांडे होंगे सीएम सिटी के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, स्वच्छता के मामले में गोरखपुर को नंबर वन बनाने में माइक पांडे का अनुभव व उनके सुझाव साबित होंगे महत्वपूर्ण। राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के अवसर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, राजा राम मोहन राय द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए उनके कार्यों को किया गया याद। यातायात माह के अंतर्गत ट्रैफिक विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा मैनेजमेंट फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट कार्यशाला का किया गया आयोजन। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, पुलिस कर्मियों को रोड सेफ्टी की दी गई ट्रेनिंग। और भारतीय डाक विभाग गोरखपुर मंडल द्वारा डाकघर बचत बैंक महामेला का किया गया आयोजन। सबसे अधिक खाता खोलने वाले अधिकारी, कर्मचारी एवं ग्रामीण डाक सेवकों को प्रशस्ति पत्र एवं सील देकर किया गया सम्मानित। गोरखपुर क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल विनय कुमार वर्मा ने कहा, डाकघर की सेवाएं हो चुकी हैं डिजिटल, बैंकिंग की भी सुविधा का ज्यादा से ज्यादा उठाएं लाभ। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को गीडा दिवस पर गोरखपुर को केंद्र में रखकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की दृष्टि से अहम प्लास्टिक पार्क, रेडीमेड गारमेंट पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। इन तीन औद्योगिक परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार की संभावनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री 504 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन, 2.60 करोड़ रुपए की वाली 49 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वह 1200 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं के निवेशकों को भूमि आवंटन का प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। 33 वर्ष पहले 30 नवंबर 1989 को अधिसूचित गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की स्थापना नोएडा के तर्ज पर हुई थी, पर विकास के मामले में यह अरसे तक पिछड़ा ही रहा। सरकारों की उदासीनता के चलते यह सिर्फ नाम को औद्योगिक विकास प्राधिकरण बना रहा। 1998 में पहली बार सांसद बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ गीडा के विकास और यहाँ औद्योगिक माहौल बनाने के लिए लगातार आवाज उठाते रहे। उनके प्रयास से कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट स्वीकृत भी हुए, लेकिन
परवान चढ़ने से पहले हुक्मरानों की उदासीनता और लाल फीताशाही की भेंट चढ़ गए। गीडा में सकारात्मक बदलाव का दौर 2017 से शुरू हुआ, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। उनके निर्देश पर गीडा का लैंड बैंक बढ़ता गया तो निवेशकों को सुरक्षित माहौल में आसानी से भूखंड मिलने लगे। आज गीडा में 600 औद्योगिक इकाइयां उत्पादनरत हैं और इनके जरिए करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। औद्योगिक इकाइयों के अलावा 20 शिक्षण संस्थान भी गीडा क्षेत्र में सेवारत हैं। निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थल बने गीडा में 173 एकड़ भूमि का आवंटन निवेशकों को किया गया है। गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल का कहना है कि इस बार का गीडा दिवस यादगार होगा। 30 नवंबर की शाम यहां मुख्यमंत्री 504 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। इन निवेश परियोजनाओं से 3,400 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही वह 189.40 करोड़ रुपए के 32 विकास कार्यों का शिलान्यास तथा 70.24 करोड़ रुपए के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। शिलान्यास वाली परियोजनाओं में 27.26 करोड़ की लागत से सेक्टर 27 में 132 केवी विद्युत उपकेंद्र निर्माण, 69.58 करोड़ की लागत से सेक्टर 28 में प्लास्टिक पार्क का विकास कार्य, 33.92 करोड़ रुपए की लागत से सेक्टर 13 में फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के हाथों 12.06 करोड़ रुपए की लागत से भीटी रावत गीडा सेक्टर 26 में विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया जाएगा। गीडा दिवस समारोह में सीएम योगी विभिन्न उत्पादों के स्टॉलों का भी अवलोकन करेंगे। नगर निगम ने मंगलवार को 10 करोड़ रुपए की जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करा लिया। यह जमीन गोरखनाथ इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया वार्ड संख्या 10 लक्ष्मीपुर में है। 10 डिसमिल इस जमीन पर काफी लंबे समय से अवैध अतिक्रमण था। अतिक्रमण चिन्हित करने के बाद भी नगर निगम इसे हटा नहीं पा रहा था। मंगलवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह के कड़े रुख पर नगर कर्मियों ने अवैध कब्जा हटाया। सहायक नगर आयुक्त जोनल अधिकारी अविनाश कुमार सिंह और प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह द्वारा मौजा लच्छीपुर वार्ड 10 राजेंद्र नगर पश्चिमी में पहुंचे। खेतान हॉस्पिटल के पश्चिम लक्ष्मी लुब्रिकेंट के पीछे सड़क पर नगर निगम की लगभग 10 डिसमिल से अधिक जमीन पर किए अवैध कब्जे को अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की। एहतियात के तौर पर गोरखनाथ थाने से पुलिस बल और तहसील सदर से भी कर्मचारियों को मौके पर बुला लिया गया। जेसीबी के जरिए 10 डिसमिल जमीन पर अवैध ढंग से बनाए गए चार दीवारी और अन्य निर्माण को तोड़ दिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान जोन 8 में जोनल अधिकारी अविनाश प्रताप सिंह, प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह, नायब तहसीलदार सतीश कुमार, आरआई अनिल सिंह, अवध किशोर श्रीवास्तव, गोरखनाथ के थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह व प्रवर्तन दल की टीम उपस्थित रही। नगर आयुक्त ने चिन्हित किए गए दूसरे अतिक्रमण के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, ये बना हुआ मकान है जो यहाँ तक आए कर रहे सर, वीडियो कर रहे सर, वीडियो कर रहे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए।
आगे वाला मार दो। अंदर खींच दो इसको। बिल्कुल साला पूरा है ना। अंदर अंदर गिराइए। आगे बढ़िए आगे बढ़िए। हो गया हो गया हो गया। आप जाइए, आपको चोट वोट लगी बिना पता लेने का लेने का देना पड़ेगा। मैं शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में पिछले काफ़ी महीनों से गोरखपुर नगर निगम के द्वारा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से लगातार अवैध अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध जो है अभियान चलाया जा रहा है। इसी की कड़ी में हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया में वार्ड नंबर 10 लच्छीपुर में नगर निगम की 10 डिसमिल से ऊपर की ज़मीन पर कुछ लोगों ने अवैधानिक तरीके से कब्जा कर रखा था और उनको बार बार उनको चेतावनी दी गई थी कि उसको खाली करने के लिए, लेकिन उनको उनके द्वारा इस अवैध अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा था। इस प्रकरण में अपन जो हमारे सहायक नगर आयुक्त साहब हैं और प्रभारी अधिकारी कर्नल सी पी सिंह और ETF की जो हमारी फोर्स थी, संबंधित पुलिस थाने की जो फोर्स, सबको लेकर ये लोग दल बल के साथ मौके पे गए और पूरा जो था उसको पूरे अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। निश्चित रूप से इस प्रकार की कार्रवाई से जहां इस प्रकार के अवैध अतिक्रमणकारियों के जो मंसूबे होते हैं वो पूरी तरह से फेल होते हैं, साथ ही साथ जो है अन्य लोगों को भी इससे एक सबक मिलता है कि वो लोग भी इस प्रकार से किसी प्रकार सरकारी ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण ना करें। अब नगर निगम का वहाँ पर इस ज़मीन पर कोई भी एक हम अपना छोटा सा वहाँ पर ऑफिस बनाना चाहते हैं जिससे कि वहाँ पर ऑफिस बन जाएगा तो एक हमारे अधिकारी वहाँ कर्मचारी बैठकर और वहाँ पर हमारा प्रशासनिक नियंत्रण और भी मजबूती से स्थापित हो सकेगा। सदर तहसील परिसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर कुलदीप मीणा का सदर तहसीलदार विकास कुमार सिंह के नेतृत्व में सदर तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विदाई समारोह का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर कुलदीप मीणा ने कहा कि गोरखपुर के अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग से वह अभिभूत हैं। सदर तहसील के सबसे लंबे समय तक SDM सदर के पद पर रहने वाले ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुलदीप मीणा 12 फरवरी 2021 को पदभार ग्रहण कर अपने 22 महीने के कार्यकाल में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर कुलदीप मीणा ने सदर तहसील के अंतर्गत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को अमली जामा पहनाने का कार्य किया। प्रदेश सरकार ने 27 नवंबर 2022 को बुलंदशहर का CDO बनाया है। विदाई समारोह में ADM वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह, ADM प्रशासन पुरुषोत्तम गुप्ता, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM बासगांव नेहा बंधु, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शाश्वत त्रिपुरारी, SDM
एसडीएम सहजनवा, सुरेश राय एसडीएम चौरी चौरा, शिवम सिंह एसडीएम कैंपियरगंज, पंकज दीक्षित एसडीएम गोला, रोहित मौर्य एसडीएम खजनी, सिद्धार्थ पाठक अपर एसडीएम सदर, पवन कुमार सदर, तहसीलदार विकास सिंह, नायब तहसीलदार वशिष्ठ वर्मा, नायब तहसीलदार विकास कुमार, उप जिलाधिकारी अनुपम मिश्र सहित जनपद के समस्त तहसील के तहसीलदार सदर, तहसील परिसर के समस्त कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निवर्तमान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने कहा, हमारे बीच के ही हैं और अगर हम कोई बात इनसे कहेंगे, कोई अनुरोध करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों पर कृपा करेंगे, हम लोगों की बात सुनेंगे। तो गोरखपुर का ये सौभाग्य और जिन लोगों जैसे अभी तक हम लोगों ने, हालांकि मुझे ये बात पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन हर अधिकारी का अपना अपना व्यक्तित्व होता है। यहाँ हम लोगों ने सर ने भी अभी तक तीन जिलाधिकारी महोदयों को देखा, तीनों लोगों का व्यक्तित्व अलग अलग था। पांडियन साहब का, विजय सर का, प्रजेंट सर का, सबका व्यक्तित्व अलग अलग है। हमें सीखने का मौका मिलता है कि एक्चुअल में कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे पब्लिक को फेस करना चाहिए। यहाँ जो सीडीओ साहबान भी रहे, अभी आप पिछले तीन चार लोगों में से जिनका भी नाम लेंगे और देखेंगे, बहुत ही अच्छे अफसर रहे। मैं अभी बीच में गया था इंद्रजीत सर से लखनऊ में, मैं मिला, एकदम से लगा कि जैसे कोई हमारा बिछड़ा भाई मिल गया हो। और उन्होंने भी सबको निकाल करके हमें आधे पौन घंटे का समय दिया, तो इतना अच्छा लगता है कि हमारे जनपद में जो पोस्टेड रहा कहीं पर और है तो जाने पे बहुत अच्छा लगेगा। आप सबको भी अभी आपकी कमी है या आपकी सहृदयता अभी आपको महसूस नहीं होगी, लेकिन जब आप जाकर के वहाँ मिलेंगे एकदम से चेहरा खिल जाता है। आप किसी पे नज़र दौड़ाइएगा, आपको लगेगा कि यहाँ सभी अधिकारी एनर्जेटिक है और अच्छा आउटपुट भी दे रहा है, बहुत अच्छा आउटपुट दे रहा है। कहीं पर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को लेकर के कोई, ये तो हमारी नौकरी का पार्ट है, लेकिन जो आम लोग हैं या जो गोरखपुर के लोग हैं, आप में से जो हमारे राजस्व भाग्य की बात है कि यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे आए। और सामान्य तौर पे किसी भी व्यक्ति की मुंह पे बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन सब लोग इस तरह से साइन आगे मत कीजिएगा, इसलिए कि आपके साइन का, अच्छा नमस्कार, आपके साइन का बड़ा महत्व तो है। और नॉर्मली जब आपका साइन हो जाता है रखते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय राजेश सिंह साहब ने एक अनुज आपको मान के इतना अच्छा सुझाव दिया है, तो निश्चित तौर पे ये लोग प्रशासनिक लोग हैं, ऐसे ही बड़ों से सीख के एक दिन अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। और संयोग अच्छा है कि राजेश सिंह साहब का संबोधन आपको मिला, आपके लिए बहुत उपयोगी। बुके आ गया हुआ है और स्वागत कोई बुके के बिना अधूरा होता है, तो हमारे बीच सर्वप्रथम हम स्वागत करने सदर तहसील परिवार आपको सम्मानित करके गर्व महसूस कर रहा है। श्रीमान जी फूलों की तरह आप सदा प्रसन्नचित्त हैं, यही शुभकामना हमारी है। न्यायिक सुनीता गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि आपको पुष्प गुच्छ दे के सम्मानित करें। बहुत अच्छा, हमारे राजेश सिंह साहब का मार्गदर्शन। मेरे मोनिस, मोनिस कहते हैं सरफरस्त को जिसका हाथ सरफरस्त। मेरे मोनिस मेरे लम्हार मुझे क्या मालूम। सर यहाँ पे एक लफ्ज है तुझे, उसको अन्यथा ना लीजिएगा, क्योंकि शायरी में कुछ लफ्ज बैठाने पड़ते हैं, आप यहाँ पे बैठते नहीं। मेरे मोनिस मेरे लम्हार तुझे पता भी नहीं चला। आप लोग कहते हैं हमने काफ़ी साथ में काम कर लिया, काफ़ी कुछ अचीवमेंट रहा, गोरखपुर के लिए अच्छा रहा। मैं कहना चाहूँगा कि मेरे यहाँ पे मेरी खुश नसीबी थी कि यहाँ पे टीम बहुत अच्छी है सदर में। मुझे आप
देखेंगे एक एक लेखपाल, मुझे गर्व होता है कि इस तरीके के लोग यहाँ पे हैं। एक एक अमीन, 24 अमीन की टीम, एक बार अगर हमने कह दिया कि ये करके आना है तो कभी वापस आए ही नहीं, बस हो गया। आप मेरे साथ यहाँ पे 5 तहसीलदार रहे, उन्होंने काम किया, वर्तमान तहसीलदार विकास, इन्हें कुछ बोलना नहीं पड़ता है, अपने आप इन्हें अपना काम मालूम रहता है, अपने आप ये लगे रहते हैं, शांत स्वभाव के, ज्यादा बोलते नहीं है, बट मुझे काफी कंफर्ट रहा इनसे। इन्हीं के साथ ब्रजमोहन जी, मेरे इससे पिछले से पिछले वाले तहसीलदार आज आए हैं, खुशकिस्मत हूँ मेरे लास्ट 2 तहसीलदार यहाँ पे हैं। ये इतने एक्टिव थे, कभी भी कुछ भी हम लोगों को एनफोर्समेंट एक्टिविटीज करानी रहती थी, अपने आप जाके अपने बल पे करा लेते थे। यहाँ पे एक और मुझे हेल्प जो मिली है कि साथ में हमेशा 1 या 2 SDMs और रहते थे जो कि साथ में काम करने के लिए काफी हेल्पफुल रहते थे। मौर्या साहब जी, आप श्रीमान जी को जीएम सिद्धार्थ पाठक साहब जी। हमारे मीणा साहब को एहसान हो रहा है, देखिए मेरे ताली के भाव बता रहे हैं कि हम कितने। SDM अनुपम मिश्रा जी, तहसीलदार ब्रजमोहन शुक्ल जी, तहसीलदार केशव प्रसाद, नायब तहसीलदार विकास कुमार जी, तन्मयता से एकाग्रता से इस कार्यक्रम को सफल बनाने, एक एक शब्द श्रीमान जी की इच्छा थी कि प्रभावशाली होने चाहिए, मेरे साहब साहित नजर आ रहे थे। राजस्व निरीक्षक रामाश्रय जी, राजस्व निरीक्षक बड़ी आत्मीयता से सहेज के बैठे हुए थे, बहुत आत्मीयता से सम्मान होता था। अच्छा, अंगद के रूप में आप लोग जो सहयोग किए, मैं मिस कर गया, अगर तहसील किसी ने चलाई है, रजिस्ट्रार का पटल 2.5 साल में तो राजू सिंह ने ही चलाया। मुझे एक चीज के लिए भी सोचना नहीं पड़ा, इलेक्शंस हो या इनको मैंने इतना लोडेड कर रखा है, सबसे ज्यादा काम अगर किसी के पास आज की तारीख में होगा तो इन्हीं के पास होगा, ऑफिस के अंदर, और पूरा कलेक्ट्रेट से कोऑर्डिनेट करना, तहसील के अंदर रजिस्ट्रार पटल चलाना, लेखपाल से कोऑर्डिनेट करना, अधिष्ठान पटल चलाना, सब कुछ इन्होंने किया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने 2.5 साल जो मेरी जिंदगी आसान करी है उसके लिए। बॉस इस पंकज जी, लेखपाल, तहसील मंत्री भाई जाओ, योगेंद्र चौबे जी, जैसा कि अभी सर ने कहा है, चौबे जी पूरा करने के लिए आतुर हो जाया करते थे, बहुत अच्छी जोड़ी है साहब का, उनसे अनुरोध है कि अच्छा, सबसे एजुकेटेड स्टाफ मेंबर। अब वो पढ़कर सम्मानित करें, और अंत में सदर आइए भी ना भैया, और भी कोई हो तो आके श्रीमान जी का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। श्रीमान जी बड़े उदार, जी भैया नमस्कार, नमस्ते, थोड़ा ठीक है,
राकेश जी हो गया गोरखपुर में मेरा बहुत बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही मेमोरेबल अनुभव रहा है। पिछले 2.5 साल में काफ़ी सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कराने का मुझे मौका मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे मेरी तहसील, दोनों तहसीलों की बहुत ही वंडरफुल टीम ने मेरे साथ सहयोग किया और हम लोगों ने सभी कुछ सारे प्रोजेक्ट, सारी बाधाएं मिलके यहाँ पे तय करी। काफ़ी खुश हूँ मैं, काफ़ी अच्छा कार्यकाल। जनता और अधिकारी और कर्मचारियों कितना सहयोग मिला मुझे यहाँ पे? जनता, अधिकारियों, विभिन्न विभाग, और जैसे केंद्र सरकार में हुए, रेलवे हो गया, एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, GRDE यहाँ पे है, या फिर स्टेट के PWD हो गए, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट, नगर निगम, GDA, सभी से कोऑर्डिनेशन में कभी कोई कमी नहीं आई। हमेशा इन सभी लोगों का सहयोग रहा। मेरे रेवेन्यू टीम के अलावा मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम थी जो दूसरे विभागों की थी, जिन्होंने हमेशा मेरे लिए काम किया और हमने सारे प्रोजेक्ट्स एक एक करके अच्छे से कंप्लीट किए। CDO का ऑर्डर 26 तारीख को आया था, काफ़ी अच्छी खुशी हो रही है। कुछ ही दिनों में यहाँ से रिलीव होके बुलंदशहर ज्वाइन करूँगा। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर के नेतृत्व में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, महिला एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से एवं उन्हें जागरूक करने के लिए वुमेन पावर लाइन 1090 वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन एवं उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला सुरक्षा को सबसे उच्च प्राथमिकता है। जनपद में कहीं पर महिलाएं निवास, आवागमन या व्यवसाय करती हैं, वहां पर उनकी सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है तथा महिला शक्ति को और बढ़ावा देने के लिए वुमेन पावर लाइन के रूप में 1090 की सेवा चलाई गई। कहीं पर महिलाओं के संबंध में कोई भी अपराध संज्ञान में आता है तो तत्काल इस पावर लाइन 1090 डायल करके महिलाओं द्वारा अपनी सहायता सुरक्षा के लिए कॉल किया जाता है। इसी संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए एक वाहन को रवाना किया गया, जो जनपद के विभिन्न स्थानों पर जाकर इस सेवा का भरपूर प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस अवसर पर SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह, SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित महिला आरक्षी एवं पुरुष आरक्षी मौजूद रहे। संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, आपका सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है कि आप अपना मोबाइल उठाएं और बहुत ही इजीली है 1090 डायल करना, आपको 1090 डायल करना है। हमारे बीच आ चुके हैं और साथ ही साथ जैसा कि हम बता रहे हैं, आप 1090 डायल करते हैं तो आपकी पहचान जो है वो पूर्णता रूप से गोपनीय रखी जाती है। यानी जो भी यहाँ पे हमारी माताएं बहनें मुझे सुन रही है, आप ये सोच के आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद गोरखपुर के पुलिस के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, पुलिस ऑफिस में आए हुए प्रार्थीगण, माताएं बहनें, आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए जो कदम शासन द्वारा उठाए जा रहे हैं, पूर्व में जो कदम उठाए गए हैं और आने वाले समय में
जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन की, उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे उच्च प्राथमिकता है। लगातार ये प्रयास चल रहे हैं कि कैसे हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां, बुजुर्ग महिलाएं, वो कहां भी रह रही हों, वो एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रही हों, स्कूल में पढ़ रही हों, कॉलेज में पढ़ रही हों, स्पोर्ट्स में हों, कोई व्यवसाय कर रही हों या अपने गांव कस्बे में निवास कर रही हों, हर जगह पर उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए और यदि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कैसे तत्काल उन तक मदद पहुंचाई जा सके, कैसे उनकी समस्या का समाधान किया जा सके और कैसे एक ऐसा वातावरण, ऐसा इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट किया जा सके जिससे हमारी महिलाएं, विशेष रूप से बच्चियां, बालिकाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। साथ ही साथ आज के युग में मोबाइल का युग है, इंटरनेट का युग है, तो मोबाइल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे महिलाओं को उस स्पेस में भी कैसे सुरक्षित किया जाए, यदि कोई व्यक्ति उनको परेशान करता है, कोई अपराधिकृत करने का प्रयास करता है, उनकी जो पर्सनल जानकारी है सोशल मीडिया पर है उसका दुरुपयोग करता है, तो ऐसी स्थितियों में या मोबाइल के माध्यम से कॉल करके उनको परेशान करता है, तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे तत्काल उन तक मदद पहुंचाई जा सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और एक डेडिकेटेड वुमेन पावर लाइन जिसे कि हम 1090 के नाम से जानते हैं, जो विगत वर्षों से लखनऊ में जिसका मुख्यालय है, दिन का कोई भी समय हो, रात का कोई भी समय हो, कहीं पे भी आप निवास कर रहे हो, कहीं पर भी आप जा रहे हो, यदि आपको इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप तत्काल 1090 डायल करते हैं, वहां से आपको उचित मदद के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस बारे में या कैसे वो मदद आप तक पहुंच सकती है, इसकी जागरूकता के लिए ही ये अभियान चलाया गया है। आने वाले दिनों में एक डेडिकेटेड व्हीकल आपके जनपद में रह करके इसके बारे में जागरूकता का अभियान चलाएंगे। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं बहनों से और उनके साथ आए उनके परिवारजनों से ये अनुरोध करता हूँ कि 1090 के बारे में आप यहाँ पर पूर्ण जानकारी लेकर के जाएं, जहाँ पर भी आप निवास करते हैं वहाँ पर आसपास इसका प्रचार प्रसार करें, इसके बारे में बुकलेट है, पैम्फलेट है, लीफलेट है, ये सभी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, इसको बांटा जा रहा है, इसको दूर दूर तक पहुँचाएँ ताकि जो हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, इसकी एक परंपरा रही है कि हमारी जो महिला शक्ति है, हमारी जो महिलाएं हैं, उनको आदर के साथ, सम्मान के साथ पूरा समाज उनके प्रति अपना आदर और सम्मान रखता है। देखिए, उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला सुरक्षा सबसे उच्च प्राथमिकता है। हमारे जनपद में, हमारे प्रदेश में महिलाएं जहां भी निवास करती हैं, छोटी बालिकाएं हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, कहीं भी निवास करती हैं, आवागमन करती हैं या कहीं व्यवसाय करती हैं या कहीं पढ़ाई करती हैं, वहां पर उनकी सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। महिला शक्ति को और बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति भी चलाया गया था और 1090 की सेवा कई वर्षों से पावर लाइन के रूप में चल रही है। किसी भी समय पर यदि महिलाओं के संबंधित कोई भी अपराध संज्ञान में आता है तो तत्काल इस पावर लाइन पे
1090 डायल करके महिलाओं द्वारा अपनी सहायता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कॉल किया जाता है। उसी का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसी की जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए आज यहां से एक डेडिकेटेड व्हीकल रवाना किया गया है, जो जनपद के विभिन्न स्थानों पर जाकर के वहां पर इस सेवा का, जो शासन द्वारा चलाई जा रही है, इस सेवा का भरपूर प्रचार प्रसार करेगा। मैं आपके माध्यम से भी जनपद गोरखपुर के सभी वासियों को ये अनुरोध करता हूँ कि इसका प्रचार प्रसार अपने स्तर से भी, और आप लोग भी अपने समाचार पत्रों के और चैनल के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि जो एक संकल्प लिया गया है कि हमारा पूरा समाज महिलाओं के लिए सुरक्षित हो, और कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह का कोई अपराध करने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई की जा सके, इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज का ये कार्यक्रम किया गया। नगर निगम एवं नगर पंचायत के आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर एडीएम फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आगामी नगर निगम एवं नगर पंचायत का चुनाव होना है। मतदाता सूची पूरी तरह से तैयार हो गई है, बूथ रूट चार्ट तैयार हो गया है तथा मतदान कर्मी की भी एंट्री पूर्ण कर ली गई है। जो भी कार्य निर्वाचन को लेकर होना है सभी कार्य समय से पूर्ण कर लिए गए हैं तथा आगे प्रशिक्षण का कार्य होगा उसकी भी कार्य योजना बना ली गई है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में सभी जनमानस शांति पूर्वक अपना प्रतिभाग करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस हूं। भविष्य में नगर निगम और नगर पंचायतों का चुनाव होना है, मतदाता सूची उसकी तैयार हो गई है, बूथ तैयार हो गए हैं, रूट चार्ट तैयार हो गया है, मतदान कर्मी की एंट्री पूर्ण कर ली गई है। इस प्रकार से जो भी कार्य निर्वाचनों को लेकर के होने हैं लगभग सभी कार्य समय से पूर्ण कर लिए गए हैं। आगामी भविष्य में प्रशिक्षण इत्यादि का कार्य होगा, उसकी कार्य योजना बना ली गई है। मेरा अनुरोध है सभी से कि आगामी जो चुनाव होगा उसमें शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिभाग करेंगे। सर, नगर निगम कितने नए वोटर बना गए हैं? नगर निगम में एग्जैक्ट संख्या आप निर्वाचन कार्यालय से ले लीजिएगा, अभी मुझे याद नहीं है, तो आपको पूरी संख्या वहाँ से मिल जाएगी। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बुधवार की शाम गीडा के स्थापना दिवस समारोह में सम्मिलित होंगे सीएम योगी, देंगे 504 करोड़ की निवेश परियोजनाओं का तोहफा, 260 करोड़ रुपए के 49 विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास एवं लोकार्पण, प्लास्टिक पार्क, रेडीमेड गारमेंट पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री की मिलेगी सौगात, 1200 करोड़ की निवेश परियोजनाओं के निवेशकों को सौंपेंगे भूमि आवंटन का प्रमाण पत्र। दस करोड़ रुपए की जमीन को भू माफियाओं के कब्जे से नगर निगम ने मंगलवार को कराया मुक्त। मामला गोरखनाथ इंडस्ट्रियल एरिया के वार्ड संख्या 10 लक्ष्मीपुर का। नगर आयुक्त विनाश सिंह ने कहा, चिन्हित किए गए दूसरे अतिक्रमणों के खिलाफ भी होगी सख्त कार्रवाई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा को प्रदेश सरकार द्वारा बुलंदशहर का सीडीओ बनाए जाने पर सदर तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विदाई समारोह का आयोजन कर उन्हें किया गया सम्मानित। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने कहा, गोरखपुर के अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग से हैं वह अभिभूत। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, महिला एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य एवं उन्हें जागरूक करने के लिए वुमेन पावर लाइन 1090 वाहन को हरी झंडी दिखाकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया रवाना। कहा, महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए जन जन तक संदेश पहुँचाने के उद्देश्य से वुमेन पावर लाइन 1090 वाहन को किया गया रवाना। आगामी नगर निगम एवं नगर पंचायत के चुनाव की तैयारियां हुई पूरी। एडीएम फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, आगामी चुनाव में सभी जनमानस शांतिपूर्वक करेंगे प्रतिभाग। ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित विश्व प्रख्यात पर्यावरणविद माइक पांडे होंगे सीएम सिटी के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, स्वच्छता के मामले में गोरखपुर को नंबर वन बनाने में माइक पांडे का अनुभव व उनके सुझाव साबित होंगे महत्वपूर्ण। राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के अवसर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, राजा राम मोहन राय द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए उनके कार्यों को किया गया याद।
यातायात माह के अंतर्गत ट्रैफिक विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा मैनेजमेंट फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट कार्यशाला का किया गया आयोजन। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, पुलिस कर्मियों को रोड सेफ्टी की दी गई ट्रेनिंग। और भारतीय डाक विभाग गोरखपुर मंडल द्वारा डाकघर बचत बैंक महामेला का किया गया आयोजन। सबसे अधिक खाता खोलने वाले अधिकारी, कर्मचारी एवं ग्रामीण डाक सेवकों को प्रशस्ति पत्र एवं सील देकर किया गया सम्मानित। गोरखपुर क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल विनय कुमार वर्मा ने कहा, डाकघर की सेवाएं हो चुकी है डिजिटल, बैंकिंग की भी सुविधा का ज्यादा से ज्यादा उठाएं लाभ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित विश्व विख्यात पर्यावरणविद माइक हरगोविंद पांडे सीएमसीटी गोरखपुर के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। इस संबंध में नगर निगम के अनुरोध को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। स्वच्छता को लेकर पीएम मोदी, सीएम योगी और गोरखपुर नगर निगम के प्रयासों की सराहना करते हुए गोरखपुर का स्वच्छता दूत बनाए जाने को गौरव की बात कही है। पर्यावरण व जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले माइक पांडे की ख्याति वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर की भी है। गोरखपुर मूल के श्री पांडे प्रदेश सरकार के इको टूरिज्म के भी ब्रांड एम्बेसडर और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली गोरखपुर की संस्था हेरिटेज फाउंडेशन के संरक्षक हैं। उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 300 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। वह पहले एशियाई व्यक्ति हैं जिन्हें 3 बार ग्रीन ऑस्कर अवार्ड मिला है। टाइम मैगजीन ने उन्हें हीरो ऑफ एनवायरनमेंट के खिताब से नवाजा है। पर्यावरण के क्षेत्र में उनके कार्यों व उपलब्धियों के दृष्टिगत गोरखपुर के नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने उनसे नगर निगम का स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनने का अनुरोध किया था। श्री पांडे ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। दूरभाष पर हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके लिए अपने पुरखों के क्षेत्र में स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनना गर्व की अनुभूति कराने वाला है। श्री पांडे ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद न केवल विकास की गति तेज हुई है बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी काफी सकारात्मक बदलाव आया है। स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनका प्रयास पीएम मोदी व सीएम योगी की मंशा को आगे बढ़ा रहे गोरखपुर नगर निगम के साथ जुड़कर अधिकाधिक लोगों को जागरूक करने की होगी। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने नगर निगम के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए माइक पांडे का आभार जताते हुए कहा कि स्वच्छता के मामले में गोरखपुर को नंबर 1 बनाने के लिए माइक पांडे का अनुभव व उनके सुझाव महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, आपके संज्ञान में होगा कि नगर निगम गोरखपुर ने अभी तक हमारे जो गोरखपुर के ब्रांड एम्बेसडर, हमारे गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी हैं, उसी की कड़ी में हम लोगों ने नगर निगम की लोकप्रियता को आम जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से, एक एक घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से श्री माइक पांडे साहब को जो है कि मशहूर प्रख्यात पर्यावरणविद हैं, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने की वजह से अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीत चुके हैं, उनको नगर निगम ने अपना सेकंड जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और निश्चित रूप से हम लोगों की मतलब इस वक्त अपेक्षा है कि श्री माइक पांडे के बनाए जाने से जहाँ पर जो पर्यावरण की तरफ नगर निगम की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनमें जहाँ एक तेज़ी आएगी, उनके अनुभवों का हमको लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर उनके माध्यम से, उनकी लोकप्रियता के माध्यम से हम अपनी बातों को देश के दूर दराज के कोनों तक पहुँचाने में पूरी तरह से सफल होंगे। राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के अवसर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बैंक रोड स्थित अयोध्या दास गर्ल्स इंटर कॉलेज के साथ 5 अन्य बालिका विद्यालय की छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली को मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली में लगभग 250 छात्राओं द्वारा महिला सशक्तिकरण का संदेश लेकर लोगों को जागरूक किया गया। जागरूकता रैली एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज से निकलकर बैंक रोड होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पर समाप्त हुआ, जिसमें राजा राम मोहन राय द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को बताया गया।
जिसके संबंध में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि आज संपत्ति में लड़कियों को समान अधिकार मिला हुआ है। यह जो सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं उसके लिए यह देश राजा राम मोहन राय का आभारी है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारी सरकार में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं आपने देखा होगा उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन शुरू किया, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक काम किया गया। इससे बहुत सारे परिवर्तन लड़कियों के सामाजिक परिस्थिति में आए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा शुभम करोति कल्याणम् शत्रु बुद्धि विनाशाय दिदनादनः दीपे संध्या दीपे नमोस्तुते जागुन्देन्दु तुषारे। प्यारे बच्चों अभी हमारे माननीय अतिथि महोदय माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके प्रधानाचार्य ने मुझे नाम तो उनका नहीं याद है, हम लोगों ने यहाँ अपनी विधायक निधि से पुस्तकालय का निर्माण कराया था। मुझे नहीं मालूम आज उसकी स्थिति क्या है, वो चलता है या नहीं है। आज पुनः दोबारा यहाँ आने का अवसर मिला है। विद्यालय में आना हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि शिक्षा के बारे में कहा जाता है एक सकारात्मक दिशा में ले जाने का काम करता है। मैं यहीं डीएवी इंटर कॉलेज का छात्र हुआ करता था, आज डीएवी गर्ल्स की बच्चियां यहाँ बैठी हैं और जो कुछ मैंने छात्र जीवन में वहाँ सीखा था वो आज भी मुझे शब्दशः सब कुछ स्मरण है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई आपसे बांट नहीं सकता, पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता, इसे जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है और दुनिया के सभी धनों में इसको सबसे महत्वपूर्ण धन और उपलब्धि कहा गया है। आगे निकलते रहो अब घुमोली जोज घुमोली जैसे जिसे कहते हैं हां घुमोली सर कैमरा फूट गया। Thank you.
देखिए, राजा राम मोहन राय एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने पराधीनता के दौर में भी समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए संघर्ष किया। वो दौर भारतीय समाज का बड़ा काला चिट्ठा था। छोटी बच्चियों की शादी, लड़कियों की शिक्षा के प्रति विरोध, बहुविवाह की प्रथा, पति की मौत के साथ जिंदा जला देने की प्रथा, महिलाओं को किसी प्रकार की शक्ति न देना, संपत्ति में उनका अधिकार न होना और एक गुलामी का जीवन जीना। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों की इस गुलामी की स्थिति को, उसका एहसास किया। उन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं इस स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करूंगा और उन्होंने किया। उनके प्रयासों से ही इस देश में सती प्रथा उन्मूलन कानून लागू हुआ। उनके प्रयासों से ही समाज में एक सोच में परिवर्तन आया, बाल विवाह में और बहुविवाह में, बाल शिक्षा में, बालिका शिक्षा में लोगों की सोच में परिवर्तन आया और आज ये स्थिति है कि हम आज़ादी के 70 साल में गर्व के साथ कह सकते हैं कि जितनी शिक्षा बच्चों के पास है, करीब करीब उतनी ही शिक्षा बालिकाओं के पास भी है। आज भी बाल भी, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं होती है, लेकिन आज भी बाल विवाह की घटना अगर कहीं होती है तो अखबारों का हिस्सा बनती है, इतनी कम होती है। आज संपत्ति में लड़कियों को समान अधिकार मिला हुआ है, बहुविवाह जैसी प्रथा समाप्त हो चुकी है और सती का तो कोई नाम ही नहीं है। तो ये जो सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं उसके लिए यह देश डॉक्टर राजा राम मोहन राय का आभारी है और उन्हें आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अब ये एक ऐसा लंबा विषय है जिसको बहुत समय लगेगा ये बताने के लिए, और ये सिर्फ मेरी ही सरकार नहीं है, हर सरकार में इसका प्रयास होता है। हमारी सरकार में विशेष रूप से प्रयास हुआ है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, आपने देखा होगा उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन शुरू किया, महिलाओं का सशक्तिकरण करने का, एक जो सामाजिक दायरा परिवर्तित करने का और लोगों की सोच में सकारात्मक भाव लाने का ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है। इससे बहुत सारे परिवर्तन लड़कियों और स्त्रियों की मनस्थिति में और सामाजिक परिस्थिति में आए हैं। यातायात माह के अंतर्गत एवं SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में जयपुर के मुस्कान NGO के द्वारा जनपद के विभिन्न थानों के इंस्पेक्टर, यातायात इंस्पेक्टर, आरक्षी को होने वाले यातायात से संबंधित दुर्घटनाएं व दुर्घटनाओं का परिणाम तथा उसके हल के संबंध में चर्चा किया गया तथा सड़क सुरक्षा मैनेजमेंट फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मुस्कान फाउंडेशन एवं रोड सेफ्टी जयपुर के द्वारा पुलिस कर्मियों को जागरूक करने के लिए इनवाइट किया गया था, जिससे सही ढंग से ट्रेनिंग दिया जाए। हम सब का जो कार्य है वह ईमानदारी के साथ करना चाहिए, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार करें तथा सभी नियमों का पूर्ण पालन करें और दूसरे लोगों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी के बारे में बताया गया कि रोड पर चलने का क्या नियम है। इस अवसर पर CO कोतवाली रत्नेश्वर सिंह, CO कैंट श्याम देवबिंद, CO गोरखनाथ तथा यातायात निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह, अजीत पांडे व मुस्कान फाउंडेशन के डायरेक्टर एवं ट्रेनर नेहा खुल्लर सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, वो खाली इंजरी क्यों हुई, सीधा फैटलिटी क्यों हुई? स्कूल बस, लेकिन उस बस की जो क्षमता थी वो खत्म हो चुकी थी, इसलिए माइनर क्रैश पे भी वो पूरी जो बस है वो क्रश कर गई, उसकी छत उड़ गई, उसका जो फर्श था वो उड़ गया। दुर्घटना हुई ह्यूमन एरर की वजह से, इसमें ड्राइवर फॉल्ट रही होगी, स्पीडिंग कारण रहा होगा, लेकिन जो फेटेलिटी हुई उसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था व्हीकल फिटनेस, राइट? तो व्हीकल फिटनेस भी बहुत मैटर करता है। हमने भी कवर किया, उसके अंदर हमें क्या सीख मिली, यही सीख मिली कि जो दुर्घटना हुई वो तो इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पे इंजीनियरिंग एरर था। उस एक्सप्रेस वे पे अचानक से एक टर्न पे जो नैरो लेन हो जाती है, मतलब थ्री लेन जो है वो ऑटोमेटिक, मतलब अचानक से क्या होती है कि वो दो लेन में मर्ज हो जाती है और जो उसका मर्जिंग पॉइंट है वहाँ एक पर्टिकुलर पिलर है जो कि स्पीडिंग व्हीकल्स को नजर
नहीं आता, तो ये तो हमारा कारण था एक्सीडेंट का, राइट? लेकिन मृत्यु का कारण क्या था? बिहेवियरल इश्यू कि पीछे बैठने वाले ने सीट बेल्ट नहीं लगाया। हाँ जी, हमें समझनी होती है कि ये जो दुर्घटना और एक्सीडेंट है ना, इसके दो अलग मतलब सॉरी एक्सीडेंट और मृत्यु जो है दोनों के अलग अलग कारण हो सकते हैं। सेफ्टी प्रोवाइड करेगी तो हमारे यहाँ से 5 या 6 मॉडल वो लेके गए, हुंडई के होंडा सिटी, हुंडई की आईटेन और किविड की गाड़ियाँ एडजस्ट करवाया। एंड कैन यू बिलीव कि 2013 में हमारे जितने भी मॉडल्स वहाँ गए थे क्रैश टेस्टिंग के लिए, उनको 0 स्टार रेटिंग मिली, नन ऑफ द कार वाज सेफ। तो उसके बाद यहाँ पे चर्चा होनी शुरू हुई सड़क सुरक्षा पे, इस बारे में भी चर्चा शुरू हुई कि जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसको अमेंड किया जाए, पेनल्टीज को रिवाइज किया जाए। तो इसी दौरान मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी जयपुर, इस टीम के लिए हमने इनवाइट किया है वहाँ से, इसके ट्रेनिंग हेड मिस नेहा खुल्लर हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथ आकर हमारे नए बैच के पुलिस अधिकारियों को, उपनिरीक्षक गणों को, क्षेत्राधिकारियों के लिए रोड सेफ्टी के बारे में, रोड इंजीनियरिंग के बारे में, कहाँ साइंस होने चाहिए, किस प्रकार के साइनेज होने चाहिए और सड़क पर क्या क्या कमियां होती हैं जिनकी वजह से दुर्घटना होती है, उन सब कानूनों के बारे में, प्राविधानों के बारे में, और हम कैसे एक्सीडेंट को रोकें, इस सब के बारे में विस्तार से नए अधिकारियों के लिए जानकारी दी। नए अधिकारियों का ज्ञान बढ़ने से ये अगले 30-35 साल तक हमारे विभाग के लिए एक एसेट के रूप में साबित होंगे, अगर ये अच्छे से विवेचना करने में ट्रैफिक एक्सीडेंट का सफल हुए तो। इन जानकारियों के लिए मैं मुस्कान फाउंडेशन का धन्यवाद देता हूँ। रोड सेफ्टी को लेकर क्या जानकारी दी लोगों को सुरक्षा के लिए? देखिए, रोड सेफ्टी को लेके इन्होंने बताया कि ड्राइविंग रेगुलेशन क्या है, सड़क पर जो आदमी निकलता है चाहे पैदल चलने वाला हो या साइकिल से चलने वाला हो, किसी भी प्रकार का ट्रैफिक हो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, उन सब के लिए क्या नियम है, चौराहे पर जाके क्या करें, मुड़ते समय क्या करें, इस सब के बारे में भी बारीकी से बताया गया। भारतीय डाक विभाग गोरखपुर मंडल द्वारा गोलघर स्थित प्रधान डाकघर पर डाकघर बचत बैंक महामेला का आयोजन किया गया। इस मेगा मेला में सबसे अधिक खाता खोलने वाले अधिकारी, कर्मचारी एवं ग्रामीण डाक सेवकों को प्रशस्ति पत्र सील देकर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में गोरखपुर क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल विनय कुमार वर्मा ने बताया कि जिन लोगों का डाकघर में खाता नहीं है और बच्चियों को भविष्य सुरक्षित रखने के लिए सुकन्या समृद्धि खाते खोलने की जरूरत है, इन सब के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि लोग बचत करने की आदत डालें और देश में बच्चों का जो भविष्य है वह ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित हो। उन्होंने कहा कि डाकघर में मंडल स्तर पर अच्छा कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कार वितरण किया गया, जिससे कि उन लोगों को उत्साहवर्धन हो सके और आगे मन लगाकर काम करें। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भारतीय डाक सेवा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। डाकघर की सेवाएं डिजिटल हो चुकी हैं, डाकघर में बैंकिंग की भी सुविधा दी गई है। इस अवसर पर प्रवर अधीक्षक मनीष कुमार, प्रवर पोस्ट मास्टर विनय कुमार सहित डाकघर के कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल विनय कुमार वर्मा ने कहा, तो किसी को ले जाके पासबुक दिखा सकते हैं कि मेरा कितना निकला है, तो उनको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसलिए एक कैटेगराइज बना करके हम लोग टीवी कैसे खुलवाना है और जो ज़्यादा मतलब सक्षम है इसको दोनों खुलवा करके लिंक कर दें, वो और बेहतर ऑप्शन है। मार्गदर्शन में हम लोग को मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जानकारियाँ दी साथियों, हमारे सभी उपमंडल निरीक्षक मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया, श्री अभिषेक प्रसाद माननीय पीएलजी महोदय के द्वारा चंद्रना पासवान को तालियों का स्वागत करते हैं। आप प्रशस्ति पत्र और मेडल देते हुए विनोद कुमार साई के द्वारा आप पर पुरस्कार प्राप्त करते हुए मीडिया बंधुओं को, ताकि आपका फोटल अखबार में छपे, आपका और भी उत्साहवर्धन होगा। मीडिया कर्मी साथी उधर फोटोग्राफी करते हुए सभी हमारे अपना पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिखाते हुए मीडिया कर्मियों के द्वारा
फोटोग्राफी करते हुए कल ये कार्यक्रम हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना लोगों को एक बार मोटिवेट किया जाए और लोगों को मोटिवेट करके ये कहा जाए कि आपके यहाँ जितने लोग हैं जिनके खाते नहीं हैं या जो बच्चियाँ हैं उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि के खाते खोलने की ज़रूरत है। जो लोगों को अभी तक बेनिफिट ट्रांसफ़र आ रहा है लेकिन उनके खाते नहीं हैं, क्यों ना उन लोगों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ा जाए जिससे कि वो लोग अपनी सुलभ तरीके से अपनी सेवाएं ले सकें और इस देश में जो बच्चियों का भविष्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित हो। लोग बचत करने की आदत डालें, अपनी बच्चियों के लिए पैसा रखें जो भविष्य में उनकी बच्चियों के पढ़ाई के काम आएगा और आगे चल के उनके भविष्य को बेहतर बनाने में काम करेगा। ये उसका इसका मकसद पूरा वही है। पुरस्कार वितरण देखिए, जब सब लोग काम करते हैं तो कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग वेवेज करते हैं, कुछ लोग कम काम करते हैं, तो ज़्यादा जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, ये 6 उपमंडल हैं गोरखपुर में, तो उन लोगों में 3-3 को चुन करके सबसे ज़्यादा काम करने वालों को पुरस्कार वितरण किया गया जिससे कि उन लोगों का उत्साहवर्धन हो सके और वो लोग और काम करें। और जिनको पुरस्कार मिला है तो जो लोग कम काम कर रहे हैं शायद उनको भी ये आशा होगी कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें सम्मानित किया जाएगा और हम लोगों की ज़्यादा बेहतर सेवा कर पाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों में? जी क्या संदेश देना चाहेंगे सर लोगों में? मैं लोगों में संदेश देना चाहूँगा कि भारतीय डाक सेवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ और डाकघर से जुड़ें। अब डाकघर की सेवाएं भी डिजिटल हो चुकी हैं। डाकघर की सेवाएं पुराने तरह की सेवाएं थी, उसके साथ बैंकिंग की सेवाओं को ऐड किया गया है। अब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं, IMPS कर सकते हैं। जब सारी सुविधाएं चूँकि आपके पास उपलब्ध हैं तो क्यों ना आप लोग जैसे बैंक की सेवा लेते हैं, जैसे कुरियर की सेवा लेते हैं, अगर आप डाकघर की सेवा लेना शुरू करें तो हम आपको बेहतर सेवा देने के लिए कटिबद्ध हैं और अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपका भविष्य बहुत बेहतर हो जाएगा। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बुधवार की शाम गीडा के स्थापना दिवस समारोह में सम्मिलित होंगे सीएम योगी। देंगे 504 करोड़ की निवेश परियोजनाओं का तोहफा। 260 करोड़ रुपए के 49 विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास एवं लोकार्पण। प्लास्टिक पार्क, रेडीमेड गारमेंट पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री की मिलेगी सौगात। 1200 करोड़ की निवेश परियोजनाओं के निवेशकों को सौंपेंगे भूमि आवंटन का प्रमाण पत्र। दस करोड़ रुपए की जमीन को भू माफियाओं के कब्जे से नगर निगम ने मंगलवार को कराया मुक्त। मामला गोरखनाथ इंडस्ट्रियल एरिया के वार्ड संख्या 10 लक्ष्मीपुर का। नगर आयुक्त विनाश सिंह ने कहा चिन्हित किए गए दूसरे अतिक्रमणों के खिलाफ भी होगी सख्त कार्रवाई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर कुलदीप मीणा को प्रदेश सरकार द्वारा बुलंदशहर का CDO बनाए जाने पर सदर तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विदाई समारोह का आयोजन कर उन्हें किया गया सम्मानित। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर कुलदीप मीणा ने कहा गोरखपुर के अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग से हैं वह अभिभूत। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, महिला एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य एवं उन्हें जागरूक करने के लिए वुमेन पावर लाइन 1090 वाहन को हरी झंडी दिखाकर SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया रवाना। कहा महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए जन जन तक संदेश पहुँचाने के उद्देश्य से वुमेन पावर लाइन 1090 वाहन को किया गया रवाना। आगामी नगर निगम एवं नगर पंचायत के चुनाव की तैयारियां हुई पूरी। ADM फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा आगामी चुनाव में सभी जनमानस शांतिपूर्वक करेंगे प्रतिभाग। ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित विश्व प्रख्यात पर्यावरणविद माइक पांडे होंगे CMCT के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा स्वच्छता के मामले में गोरखपुर को नंबर 1 बनाने में माइक पांडे का अनुभव व उनके सुझाव साबित होंगे महत्वपूर्ण। राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के अवसर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा राजा राम मोहन राय द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए उनके कार्यों को किया गया याद। यातायात माह के अंतर्गत ट्रैफिक विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा मैनेजमेंट फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट कार्यशाला का किया गया आयोजन। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा पुलिस कर्मियों को रोड सेफ्टी की दी गई ट्रेनिंग।
भारतीय डाक विभाग गोरखपुर मंडल द्वारा डाकघर बचत बैंक महामेला का किया गया आयोजन। सबसे अधिक खाता खोलने वाले अधिकारी कर्मचारी एवं ग्रामीण डाक सेवकों को प्रशस्ति पत्र एवं सील देकर किया गया सम्मानित। गोरखपुर क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल विनय कुमार वर्मा ने कहा, डाकघर की सेवाएं हो चुकी है डिजिटल, बैंकिंग की भी सुविधा का ज्यादा से ज्यादा उठाए लाभ। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।